नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन 11। इधर कटिहार के अजमनगर थाना क्षेत्र के चोहलर पंचायत में युवती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि मृतक के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों की माने तो हत्या से पहले युवती के साथ दुष्कर्म करने की भी कोशिश की गई है और दुष्कर्म किया गया है। वहीं इस घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल है। एक महिला की हत्या की गई है रात्रि में। अभी तक जो शामिल अपराधकर्मी हैं वो अज्ञात हैं, उनका पता लगाया जा रहा है और सब सारे बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। सर, यहाँ जो है राजस्थानी मजदूर को जो गिरफ्तार किया गया है? नहीं, अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था और उस क्रम में कुछ लोग भागने लगे थे तो उन लोगों को। और कैमूर पुलिस ने चेलवा गिरोह के मुख्य सरगना के साथ साथ चार साथियों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि वहीं एसपी ने यहां पर गिरोह को पकड़ने में शामिल पदाधिकारियों पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत करने के लिए बात कही है। दो महीने में लगातार 8-10 मोटरसाइकिल और पैसे के लूट की घटनाएं हुई थी, विशेष तौर पर मोहनिया अनुमंडल क्षेत्र, जिसके उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मोहनिया के नेतृत्व में कई थानों की टीम मिलाकर एक कई थानाध्यक्षों के साथ एक टीम बनाई गई थी और आज एक बड़े गिरोह का उद्भेदन हुआ जिसमें 5 सदस्य पकड़े गए, जिसमें 4 लूट की मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल, सिम कार्ड, हथियार, गोली। और बिहार के सोनपुर में पशु तस्करी के लिए तस्कर खास तौर पर डिजाइन सील बंद कंटेनरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें आपको कि ग्रामीणों की तस्करों को पकड़ने की कोशिश की तो तस्कर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची वरीय अधिकारियों ने कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। छानबीन की चीज है अभी कि प्राथमिक रूप से भागे हैं तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी, तत्कालिक उस पर FIR होगी। और मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के बथनाहा गांव में बिजली के तार टूटने से भीषण आग लग गई, जिसमें लगभग 20 घर जलकर राख हो गए हैं। वहीं घटना मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। साथ ही आग लगी की सूचना पर प्रशासन फौरन मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। और समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष अमित कुमार ने अभियान चलाकर अलग अलग गांव से 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस मौके पर 153 लीटर शराब भी बरामद की गई है। और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज देवघर सड़क मार्ग पर अज्ञात वाहन से टकराने से 2 युवकों की मौत हो गई है। बता दें आपको कि स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित किया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और फिलहाल मामले की जाँच में जुट गई है। तो खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बन रहे न्यूज़ 11 के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।